डिफाइंड एज अगर कोई दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उनमें से इच ऑफ विच इज अ फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. हियर वी कैन सी एग्जाम्पल, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू साइन टी एंड डी वाई अपॉन डी टी माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टी. दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज सॉल्व बाई एलिमिनेटिंग एनी वन डिपेंडेंट वेरिएबल. सो हेयर वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट. सो द एग्जाम्पल इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल आर गिवेन बाई डी एक्स अपॉन डी टी. इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स आर गिवेन बाई डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा वाई इज इक्वल टू जीरो एंड डी वाई अपॉन डी टी माइनस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू जीरो. फाइंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल एंड शो दैट इट इज अ सर्कल. सो वी हैव टू शो इट इज अ सर्कल. सो फॉर सोल्यूशन वी हैव डी एक्स अपॉन डी टी. वी हैव टू इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन. फर्स्ट वन इज डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा वाई इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड वन इज डी वाई अपॉन डी टी माइनस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू जीरो. सो फर्स्ट वॉट वी विल डू, सेकेंड इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकालने के लिए, या हम वाइस वर्सा कर सकते हैं. या तो हम यहां से डी वाई अपॉन डी टी ऑप्टेन कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से और इसको इक्वेशन सेकेंड में रख सकते हैं, या फिर इक्वेशन सेकेंड से डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करके इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं. तो वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू टी. वी हैव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो. सो फ्रॉम वेयर वी हैव डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. डी एक्स अपॉन डी टी की जो ये वैल्यू हमें ऑब्टेंड हुई है इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और फर्स्ट में रखने से ये आ रहा है वन अपॉन ओमेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज फर्दर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो. सो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. दिस इज इक्वेशन थर्ड. तो इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इन टू वाई इक्वल टू जीरो. देयर फॉर एक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड एम इज प्लस माइनस डब्ल्यू आई. सो एक्सिलरी इक्वेशन एम का दो रूट है, एम के दो रूट आ रहे हैं ओमेगा आई एंड माइनस ओमेगा आई. सो कॉम्प्लीमेंट्री